एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। जो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण से जो रिलेटिव डायग्राम है मैं ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर बना रखा है। अब मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। पहले आपको मैं क्रांतिक कोण के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं डायग्राम बनाया है। देखिए, ये जो आप इस लाइन को देख पा रहे हैं बच्चे, इस लाइन को बोलते हैं हम आपको वर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चे हम आपको? वर्तक पृष्ठ इसको बोलते हैं, आपको वर्तक पृष्ठ। ठीक है, अगर बच्चों बात करते हैं इस अपवर्तक पृष्ठ के, अगर ऊपर की बात करते हैं, ऊपर की जब बात करते हैं बच्चों, तो मान लीजिए हमने माना है कोई द्रव माध्यम, जैसे एयर हो सकता है या फिर वैक्यूम हो सकता है। तो इसके ऊपर का जो माध्यम बच्चों क्या है, वो द्रव माध्यम है। जैसा कि हम मान लेते हैं वायु, वायु मान लेते हैं। ठीक है, और इसके जो नीचे का माध्यम बच्चों, ये अलग माध्यम है, ये क्या देखो, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब ये बच्चों, जैसे कि गिलास हो सकता है, यानी कांच हो सकता है, या फिर वॉटर है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको कांच मान के चल रहे हैं, कांच। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई प्रकाशीकरण सघन माध्यम से द्रव माध्यम की ओर चलाएं, जब कोई प्रकाशीकरण सघन माध्यम से द्रव माध्यम की ओर चलाएंगे, तो जैसी बात ये हम लोग जानते हैं कि जो अविलंब है, ठीक है, तो अपवर्तित जो क्रम होगी, अपवर्तित क्रम वो क्या होगी बच्चों, अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी। क्योंकि बच्चे हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाशीकरण सघन माध्यम से द्रव माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अभी देखिए, क्रांतिक कोण वाली घटना में, क्रांतिक कोण वाली घटना में ये जो अपवर्तित किरण है वो कहां जा रही है, सीधी अपवर्तक पृष्ठ पर जा रही है। कहां जा रही है बच्चों? सीधी अपवर्तक पृष्ठ पर जा रही है। ठीक है, और इस कंडीशन में ये जो आपका अपवर्तन कोण है, ये क्या बच्चों? 90 अंश है। अपवर्तन कोण यानी आर कोण कितना है? 90 अंश है। तो बच्चों, जिस कंडीशन में द्रव माध्यम में, द्रव माध्यम में अपवर्तक कोण का मान यानी अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 अंश हो, तो उस स्थिति में सघन कोण का जो आपतन कोण का मान होता है, सघन माध्यम में जो आपतन कोण का मान होता है, उसको हम बच्चे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। हम शीर्ष प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से द्रव माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। बस मेरे आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब ये इतना दूर हटी है, इतना दूर हटी है कि इस कंडीशन में आर का जो मान कितना बच्चों? 90 अंश। क्योंकि जो अपवर्तित किरण है कहां जा रही है? ये जा रही है इसके इसके बिल्कुल बिल्कुल इसके संपात जा रही है ना। इस कंडीशन में जो आर का मान कितना, वो 90 अंश है। जब वो बच्चों द्रव माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, तो सघन माध्यम का जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है? क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है, जिसे हम शीर्ष प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे एग्जाम में? परिभाषा मैं देखिए आपको स्क्रीन पर लिख करके आपको समझा रहा हूं। तो लगाते देखिए, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। देखिए अभी मैं आपको जो एग्जाम में डेफिनेशन लिखेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो लिखेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, लिखेंगे सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, कोमा, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये देखिए, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई बच्चों। मैंने क्या होता, देखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये इसकी डेफिनेशन थी। एक बार फिर से पकड़ रहा हूं, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 अंश हो, तो जो आपतन कोण होता है सघन माध्यम का क्या कहलाता है, ये क्रांतिक कोण कहलाता है। इस बात को याद रखना, क्रांतिक कोण वाले केस में, ठीक है, क्रांतिक कोण वाले केस में क्या होगा, जब इधर आपका अपवर्तन कोण का मान कितना होगा 90 अंश होगा, तो इधर का जो आपतन कोण होगा वो क्या होगा क्रांतिक कोण के बराबर होगा। जब तक इधर 90 अंश का एंगल नहीं बनेगा इधर क्रांतिक कोण नहीं कहलाएगा। उधर जैसे ही आपतन कोण बने, आप उधर जैसे ही आपका अपवर्तन कोण 90 अंश होगा, ठीक है, तो ये इधर का जो आपतन कोण होगा ये कहलाएगा आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। लेकिन ये जो अपवर्तन कोण 90 अंश कब होगा, जब ये जो अपवर्तित कोण है वो कह जाएगी सीधी पृष्ठ पर जाएगी, तो इस कंडीशन में ये आर 90 हो जाएगा, तो इधर का जो आपतन कोण आई है वो क्या कहलाएगा, सी यानी क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगाते हैं रिकॉर्डिंग। ये तो पहली बात हमने पढ़ी थी क्रांतिक कोण के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये क्या है देखिए, इसी सीन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्रांतिक कोण की बात तो आप समझ चुके हैं, अगर देखिए हम इस क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी जो आपकी ये जो आपतित कोण है इसको थोड़ा और अभी इसको हम थोड़ा बढ़ा दें, मान लीजिए अब जो हम आपतित कोण डाल रहे हैं वो यहां से डाल रहे हैं, ये देखिए ये इस चीज को समझिए, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे अब आपतन कोण कहां से आता है, ये आपतन कोण हो गया यहां से आता है मारा। तो इस कंडीशन में क्या है, जो प्रकाशित किरण टकराएगी, टकराने के बाद बच्चे वापस इसी माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, समझ मारा है, यानी ये अब आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, और ये क्या देखो परावर्तित किरण है, क्या बच्ची ये व्यलीकरण है, परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए क्योंकि प्रकाश किरण देखो इसी माध्यम से चलती, सघन माध्यम से चली थी, सघन माध्यम में आ गई, यानी ये बिल्कुल विरल माध्यम परावर्तित हुई नहीं है, दूसरे माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्योंकि ये क्रम बच्चों सघन माध्यम से चल करके प्रेस से टकरा कर सघन माध्यम में आ गई, यानी यहाँ पे अपवर्तन वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे हुआ परावर्तन, क्या हुआ परावर्तन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोले, तो जितना प्रकाश इधर गया था ठीक उतने प्रकाश बच्चों इधर आ गया, इसी माध्यम में आ गया, ठीक है, इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या होगा, अब आई और सी आपस में बराबर नहीं होंगे, इस वाली कंडीशन में आई इज ग्रेटर देन सी, जब आई बड़ा होता है सी से, जब आई बड़ा होता है सी से, ठीक है, तो क्या होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी, देखिए परिभाषा बच्ची ये बनेगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दें, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे आई बड़ा है और सी छोटा है, तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक बढ़ा दें, तो प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो वापस से पढ़ो बच्चों, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा अधिक बढ़ा दें, तो प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए मैं चीज को लिख देता हूं, देखेंगे यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा अधिक बढ़ा दें तो प्रकाश पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है
लौट आता है। इस घटना को पूर्णांक परिवर्तन कहते हैं। बस इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्णांक परिवर्तन कहते हैं। तो ये बात हुई बच्चों पूर्णांतिक परावर्तन। तो क्या था, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से यानी आई के मान को सी से थोड़ा सा बढ़ा दें। देखो जब हम क्रांतिक कोण पढ़ते हैं ना तो आई और सी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन हम पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ते हैं तो आई बड़ा होता है और सी छोटा होता है। ठीक है, तो वही मैंने दिखाया, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। तो यह बात आपको अच्छे समय आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कभी कभी आप लोगों से पूर्णांतिक परिवर्तन की शर्तें पूछी जाती हैं। पूर्णांतिक परिवर्तन की शर्तें तो मैं आपको बता दूं, पूर्णांतिक परिवर्तन की दो शर्तें होती है। कितनी शर्त होती है बच्चों, दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त बच्चों ये होती है प्रकाश सघन माध्यम से बरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। पहली शर्त बता रहा हूं, प्रकाश सघन माध्यम से बरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरी शर्त, दूसरा तो यह होती है बच्चों कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए, यानी आई इज ग्रेटर देन सी। तो ये दो शर्त होती है पूर्णांतिक परिवर्तन की। एक बार फिर से रिपीट करूं दोनों को बारी बारी से। पहली शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से बरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो शर्तें हैं पूर्णांतिक परिवर्तन की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांतिक परिवर्तन क्या होता है, साथ ही साथ मैंने पूर्णांतिक परिवर्तन की दो शर्तें वो भी आपको बताई। उम्मीद करता हूं बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।